कर रहे हैं अपनी सहरी की तैयारी और चले आज बना रहे हैं हम कबाब सैंडविचेस, जो कि फरमाइश है बच्चों की और बच्चों को खाना है सैंडविच। तो आज बनाते हैं हम कबाब सैंडविच। तो जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं क्योंकि सहरी का टाइम भी होने वाला है, तो जल्दी जल्दी रेडी करनी है सैंडविचेस। तो चलें आपको बताते हैं हमारी रेसिपी कैसी है और कैसे लगेंगे आपको सैंडविचेस हमारे। तो अब बनाती हूँ मेरे स्टाइल में, तो चलें सैंडविचेस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम अंडा डाल देंगे और इसे फेंटेंगे। अच्छे से फेंटना है हमें अंडे को, क्योंकि बच्चे शौक से सैंडविचेस खाते हैं और ये सहरी में लाइट भी रहता है बच्चों के लिए। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर और फिर से इसे हम फेंटेंगे। तो आप लोग इस सहरी में क्या बन रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे इधर तो आज बन रहे बच्चों की फरमाइश पे कबाब वाले सैंडविच, जो कि बहुत पसंद है बच्चों को। तो अब हम अपने फ्राई पैन में डालते हैं ऑयल और पहले बनाते हैं हमारी कबाब, जो कि चिकन की है। और जिसको रेसिपी चाहिए हो तो वो ज़रूर हमारे चैनल पे जाइएगा, रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। तो जिसको अच्छी लगे वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आती है। तो अब हम कबाब हमारी फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसी तरह से हम तीनों कबाब ऐसे अंडे में डिप करके डाल देंगे। क्योंकि सहरी में टाइम रह गया है कम और हमें जल्दी जल्दी बनानी है सहरी, क्योंकि बच्चों को भी उठाना है और फिर सहरी करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ हो रही हमारी कबाब फ्राई और अब हम चलते हैं हमारे सैंडविचेस की तरफ, जो कि हमने स्लाइस ले ली है और इस तरह से हमने चार स्लाइसेस ले ली है। और इसमें हम ऐड करेंगे चिकन स्पैट फजीता। बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका, मैं फ़र्स्ट टाइम लाई थी और बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चों को भी। तो ये हम डाल देंगे एक तरफ, चारों में डाल देंगे। और अब हम इसे स्प्रेड कर देंगे इस तरह से सैंडविच स्लाइस पे। और अब हम इसी तरह से चारों को जल्दी 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 कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सहरी में टाइम कम होता है और जल्दी जल्दी बनाना होता है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम फटाफट। तो ये हम जल्दी जल्दी चारों रेडी कर देते हैं। और ये सैंडविच बहुत अच्छे लगे थे, मैंने पहले भी बनाए थे, तो सकलैन और कायनात को तो बहुत अच्छे लगे थे। ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। और बिल्कुल लाइट होते हैं तो बच्चे शौक से भी खाते हैं, क्योंकि रोज़ा होता है बच्चे, अंडा वगैरह तो बच्चे रोज़ाना नहीं खाते, सब थक जाते हैं, तो इसलिए सैंडविचेस अच्छे लगते हैं। और बनाएंगे हम साथ ही लस्सी, क्योंकि गर्मी है और लस्सी से प्यास नहीं लगती। हमने ले ली है दूसरी साइड की स्लाइस, वो हमने फोर स्लाइसेस पे लगा दिया था फजीता। और अब हम लगा रहे हैं बारबेक्यू चिकन स्प्रेड बारबेक्यू का, ये भी बहुत टेस्टी है। तो इस तरह से हम चारों पे लगा देंगे और कबाब भी हमारी फ्राई हो रही है जैसे कि आपको दिख रही होगी। तो ये हमारी कबाब भी फ्राई हो रही है और हमारे सैंडविचेस भी रेडी हो रहे हैं। तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी बारबेक्यू चिकन स्प्रेड का इसको हम इस तरह सैंडविचेस स्लाइस पे लगा देंगे और दूसरे पे फटाफट दूसरे पे ले लेंगे। और ये तीसरा वाला
और शहरी में आ गया है ढोल वाला, जो कि सबके घरों के पास आता होगा, हमारे घर के पास आता है और ढोल बजाता है, उठो उठो शहरी का टाइम हो गया, जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी, और ढोल वाले आ गए, ढोल वाले शहरी के लिए उठाते हैं, पर हम तो सोते ही नहीं हैं, तो हम उठे हुए ही होते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमारी कबाब हो गई है, अब हम इसे हम निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि सैंडविचेस कैसे बनेंगे। अंडा भी हमारा फ्राई हो चुका है और इसे भी हम निकाल लेते हैं फटाफट, और अब चलते हैं हमारे सैंडविचेस की तरफ। फ्रेंड्स, हमने अपनी कबाब हाफ कर दी है और इसे हम ऐसे आराम आराम से इस तरह से पूरे सैंडविचेस पे डाल देंगे, हमारी जो हमने फ्राई की थी कबाब और जो अंडा फ्राई किया था वो भी इसी तरह से हम डाल देंगे इसके ऊपर। थोड़ा अंडा, आधी कबाब, अब हम डालेंगे इसके ऊपर मायोनीस, और अब इसके ऊपर जो हमारी दूसरी ब्रेड थी जिस पे हमने लगाया था फजीता, तो वो हम इस पे इसके ऊपर ऐसे मायोनीस पे मिक्स कर देंगे, इसको मायोनीस को सैंडविचेस पे। फजीते वाली जो स्लाइस बनाई थी अब इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, और अगर किसी को और ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकता है चीज़, और वो मैं सकलैन के इसमें से ऐड करूँगी क्योंकि सकलैन शौक से खाता है, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे। बाकी सब ऐसे ही सैंडविच रेडी हो गया, अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो हमने ऑयल रख दिया है गरम करने, और अब इसमें डाल देंगे हम सैंडविच। अब ये फ्राई होगा और आपको दिखाते हैं कैसा अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। तो जी फ्रेंड्स, हमारी एक साइड हो चुकी है और तवा हमारा ऑलरेडी, फ्राई पैन हमारा गरम गरम था, तो हमने दूसरी साइड टर्न कर दी है और हम जल्दी 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 दूसरी साइड भी करके और इसे डिश आउट कर देंगे और इसके टू पीसेस कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे सैंडविचेस हो गए रेडी, अब इसे हम डिश आउट कर देते हैं। तो ये देखिए, मज़ेदार सैंडविचेस बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए रेडी है शहरी के लिए। आओ मज़े से शहरी करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी रेडी हो चुकी है, तो अब जल्दी चलते हैं और दस्तरखान सजाते हैं अपना शहरी। तो जी फ्रेंड्स, हमारे देखें ये सैंडविचेस भी रेडी हो चुके हैं और कितने यम्मी लग रहे हैं, और हमारी लस्सी भी रेडी है, तो अब हम दस्तरखान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, और हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, और आपके लिए इसमें बहुत बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को जरूर दुआ में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हुए हैं एक नए व्लॉग के साथ, और सबसे पहले आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं और रमज़ान कैसा गुजर रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग वेट करते हैं आप लोगों के अच्छे अच्छे से प्यारे से कमेंट्स का। और आज हम आपसे शेयर करेंगे हमारे 8वें रोज़े की सहरी और इफ्तारी की, आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पे न्यू है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलती रहे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। YouTube फैमिली प्लीज, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं और इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो न्यू है जो देख रहे हैं वो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि हमारे पुराने जो है माशाल्लाह फ्रेंड्स, वो तो बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया जी, उनका दिल से बहुत शुक्रिया कि वो बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं, और आपके कमेंट्स पढ़ के हमें जो सुकून मिलता है और हमें जो खुशी होती है वो हम ही जानते हैं। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे सहरी हमारी और हमारी इफ्तारी, तो चले आए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि दस्तरखान पे आज हमारे पास क्या क्या है सहरी में।
जी तो फ्रेंड्स, हमारा सहरी का आज का दस्तरखान लग चुका है और आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें हमने ला के यहाँ पर रख दी है। और आज हमारे पास है, ये रात को आपकी भाभी ने चिकन आलू का सालन बनाया था तो ये भी आपकी भाभी ने गरम कर लिया है और अभी हम खाएंगे ये यम्मी यम्मी सा सालन। और आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन जो है सहरी में सालन खाना पसंद करता है। तो हमारे पास आज ये सालन भी है और ये यम्मी डिलीशियस से सैंडविचेस है जो कि आपकी भाभी ने आपसे अभी रेसिपी भी शेयर की है, कबाब सैंडविचेस। और इसके अलावा हमारे पास ठंडी ठंडी सी लस्सी है फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी का मौसम है और लस्सी तो मस्ट है सहरी में, और इसके बगैर तो सहरी कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स, अभी हम इस वक्त चाय वगैरह नहीं पीते सहरी में, इफ्तारी के बाद हम लोग चाय भी पीते हैं। और अभी हमारे पास देखिए ये जो सैंडविच है ये स्पेशली मोहम्मद सकलैन ने बनवाया है अपने लिए, और ये जो है ये चीज़ वाला सैंडविच है, ये इन्होंने चीज़ वाला सैंडविच अपने लिए बनाया है और ये इनको बहुत पसंद है तो इस तरह से इन्होंने चीज़ वाला बनाया। और हमारे जो है बगैर चीज़ के सैंडविचेस है। और अब हम करते हैं सहरी जल्दी जल्दी से स्टार्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। और भी सब माशाल्लाह कह दीजिएगा। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी आना चाहें तो आप लोग भी आ जाएँ हमारे साथ जल्दी से सहरी करने के लिए। और फिर मिलते हैं आपसे सहरी के बाद। तो जी फ्रेंड्स, हम उठ चुके हैं और मेरी नमाज और कुरान हो चुका है। अब आपके भाई की तरफ जाके आपके भाई क्या कर रहे हैं और फिर हम करेंगे इफ्तारी की तैयारियाँ, फिर हम जाएंगे अपने किचन में। वो दिखाते हैं आपके भाई क्या कर रहे हैं और उनसे नमाज पढ़े तो देखते हैं, अगर हम नमाज पढ़े तो वो उनसे बात नहीं कर सकते तो हम जाते हैं फिर इफ्तारी बनाने और जल्दी से बना के अपनी इफ्तारी, क्योंकि रोज़ा खुलने का टाइम हो जाएगा तो हमारी इफ्तारी रेडी हो जानी चाहिए। तो चलते दिखाती हूँ आपको आपके भाई क्या कर रहे हैं। उबालने और ये उबल चुका है, इसमें मैंने चीनी डाल दी है और इसकी मैं बनाऊंगी पुडिंग, जो मैं बनाऊंगी पिस्ता पुडिंग ये वाली ये। और मैं फिर पिस्ता पुडिंग में अभी ये और दूध गर्म हो रहा है और फिर इसमें डालूंगी पुडिंग का पैकेट। और बना रही हूँ मैं इधर आलू के पकोड़े और प्याज के पकोड़े, तो ऑयल भी मैंने गर्म करने रख दिया है। और अब हम करेंगे हमारी जलीली तैयारियां। तो हम पकौड़े का पेस्ट रेडी करते हैं, इसमें मैंने ज़ीरा 1 चम्मच डाल दिया है और अब डालूंगी इसमें चाट मसाला। और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, सबके घर में बहुत शौक से ही खाते हैं। आलू वाले पकोड़े ना हो तो दस्तरखान में मज़ा नहीं आता। और अब इसमें हम ऐड करेंगे, हमने इसमें कटर मिर्च डाल दी है और अब इसका पेस्ट मुझे बनाना है और साथ साथ मुझे दूध भी हिलाना है। और देखिए मुझे हाथ में जल गया था, कल मेरे हाथ में ऑयल गिर गया था तो इसलिए मुझे चम्मच से हिलाना पड़ रहा है, इसको पेस्ट को बनाना पड़ रहा है, वरना मैं अपने हाथ से बना लेती हूँ फटाफट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आपकी भाभी ने दिखाया था कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो फ्रेंड्स मैं असर की नमाज़ पढ़ के फारिग हो चुका हूँ। असर की नमाज़ पढ़ ली है मैंने और कुछ दुआएं वगैरह पढ़नी थी तो वो भी पढ़ ली है। और अब मैं आ गया हूँ असल काम पर अपने, और मैंने संभाल लिया है अपना काम और अपना कैमरा मोबाइल का। और जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी भाभी क्या कर रही है किचन में, और आए चले देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पुडिंग रेडी हो चुका है और मैंने सब बाउल्स में भर दिया है, क्योंकि मेरे ससुर स्टील के बाउल में खाते हैं, उनके लिए स्टील का भरा है, बाकी हमारे कांच के कप से। तो अब इसको हम फ्रिज में रखते हैं और ठंडा करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मज़ेदार सा जो है ना वो पुडिंग हमारा रेडी हो चुका है। पुडिंग बना है ना? हाँ, पुडिंग। तो पुडिंग हमारा रेडी हो चुका है और अब आपकी भाभी जो है इसको फ्रिज में रख रही हैं ठंडा करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं ये कौन सा वाला पुडिंग है भाई? तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ बना है पिस्ता पुडिंग, मज़ेदार यमी सा।
और अभी और क्या बन रहा है यहाँ पे? हो रहा है आलू के पकोड़े, समोसे। ओहो भाई, आज तो मेरी मेरी जो है ना फरमाइश पे आलू वाले पकोड़े बन रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और मैंने आपकी भाभी से आज फरमाइश की थी कि भाई मेरे लिए आप बनाएं खास इफ्तारी में आलू के पकोड़े। वैसे तो बच्चे भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और इसके अलावा प्याज वगैरह वाले जो पकोड़े होते हैं वो नॉर्मली मैं खा लेता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। तो अभी आपको दिखाते हैं आपकी भाभी पकोड़े वगैरह बनाती हैं और फ्राई करती है, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पे जो है आपकी भाभी आलू की कटिंग कर रही हैं, आलू की कटलियाँ काट रही है। कटलियाँ इसको क्या कहते हैं? आलू की कटलियाँ, मैंने सुना है ऐसा, लोग आलू की कटलियाँ कहते हैं। तो ये आलू की कटलियाँ यहाँ पे पतली पतली कट रही है स्लाइसेस, और बनेंगे मज़ेदार से पकोड़े। और क्या बना रही हो आप? गर्मी में पकोड़े बनाओ, कितना मुश्किल तरीन काम है ये। जी फ्रेंड्स, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में जो है वाकई लेडीज़ को सलूट है और सलाम पेश करते हैं कि वो इतनी गर्मी में जो है क्यों आपकी तारीफ ऐसे नहीं होती क्या? तो फ्रेंड्स, ये तो वाकई मेहनत वाला काम है कि रोज़े में जो है इस तरह से खड़े रह के गर्मी में और चूल्हे के पास किचन में खड़े होके पकाना। और जाहिर सी बात है इनका भी रोज़ा होता है जिस तरह से हम सबका रोज़ा होता है, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी में खड़े रहना आसान नहीं होता रोज़े की हालत में। लेकिन फिर भी ये जो है लेडीज़ सब घर वालों का इतना ख्याल रखती हैं और सबके लिए इफ्तारी बनाती है, तो वाकई सब मिलके बोलो माशाल्लाह। तो आप लोग माशाल्लाह बोलिएगा ज़रूर फ्रेंड्स। और जो है इसी तरह मिलके बोले माशाल्लाह। और फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोग भी जो है वो घर में जो आपकी लेडीज़ होती है वो इस तरह से आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती है, तो आप लोग भी ज़रूर, अगर हेल्प नहीं करा सकते हैं, वैसे हेल्प करानी चाहिए इंसान को घर में, लेकिन ये कि अगर आप हेल्प नहीं करा सकते किसी वजह से, आप बिज़ी हैं या आप जॉब पे होते हैं या आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन आप लोग को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अप्रिशिएट करने से इनकी जो है हौसला अफज़ाई होती है। और जाहिर सी बात है हर किसी को खुशी मिलती है, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे, किसी की तारीफ़ करेंगे तो उसको खुशी ज़रूर मिलेगी, तो ज़रूर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोग अगर मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हेल्प भी करानी चाहिए हमें। तो मेरी ये सोच है, बाकी अब जिसकी जैसी सोच, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखे फ्रेंड्स, आपकी भाभी ने जो है आलू के पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं, और गर्मा गर्म पकौड़े यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। तो आपकी भाभी थोड़ा सा जल्दी ही फ्राई कर रही है, इसकी वजह यह है कि फिर गैस का थोड़ा सा इशू हो जाता है इफ्तारी के टाइम पे। और किस किस के यहाँ पे गैस का इशू हो जाता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ इफ्तारी के टाइम जो है वो थोड़ा सा गैस का इशू हो जाता है। तो आप मिलते हैं, पकौड़े फ्राई हो जाए सारे, और फिर हम आपको दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इफ्तारी का दस्तरखान लग चुका है, और ये सब कुछ हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो अब जल्दी से रोज़ा खोलते हैं, अजान होने वाली है बस, और रोज़ा खोलते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ किसी नए व्लॉग में इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू है तो वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दे, अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दे और लाइक कर दें। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।